खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अगर आप भी देना चाहते हैं कोई खबर या जानकारी तो इन नंबरों पर करें संपर्क। देश भर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। कानपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति संस्थान द्वारा कैंट विधानसभा अंतर्गत गोलाघाट में देश का पहला अंत्योदय केंद्र खोला गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक रघुनंदन भदौरिया पहुंचे। उन्होंने सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए बताया कि हमारी सरकार आज भी सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर चल रही है, आगे भी लोगों के हितों में ही कार्य होगा। बता दें कि अंत्योदय के केंद्र के माध्यम से सरकार द्वारा जारी की जाने वाली योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो वहीं केंद्र के कोऑर्डिनेटर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अभी तक इस केंद्र के माध्यम से सैकड़ों लोग लाभ उठा चुके हैं। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक बनाने आया हूँ, मैं गरीबों को हक दिलाने आया हूँ और गरीबों को हक जब तक नहीं मिलता तब तक मैं लड़ाई लड़ता रहूँ। मैं ब्राह्मण में नहीं बदने वाला हूँ। सौभाग्य से आज सारी योजनाएं चल रही हैं हमारे प्रदेश के और देश के। जो मुख्यमंत्री हमारे आज देश के मुख्यमंत्री हैं मोदी जी द्वारा जो कार्य चल रहे हैं वो गरीबों के लिए 100% पहुँच रहा है। मैं समझता हूँ इस अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर हम उनको नमन करते हैं और निश्चित उनके कहे हुए उनके विचारों पे हम बराबर कार्य कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब गरीबों के लिए करें, गरीबों के हित के लिए करें, गरीबों के लिए लड़ें। आज बहन शौचालय पाकर कितनी खुश है। हम गांव के लोग हम जानते थे, हमारी माता बहनें पिछौड़ी ओढ़ के जाती थी और रात में जाती थी। आज ये देखिए घर में शौचालय मिल गया, आज गरीब को घर में भोजन मिल गया, आज गरीब को घर में दवाई मिल गई, आज गरीब को घर में आप समझिए राशन मिल गया, आज गरीब को घर में किसानों को पैसा मिल रहा है। तो ये सोच बताती है। पंडित दीनदयाल जी कानपुर आते थे तो एक लोग कहते हैं कि पंडित दीनदयाल जी स्टेशन पे गए तो कार्यकर्ता लेट पहुंचे, पंडित जी नवीन मार्केट जल्दी पहुंच गए, उन्होंने कपड़ा उतारा, गंदगी देखी, उन्होंने ऊपर झाड़ने लगे, लोग पहुंचे कि वहाँ जब मिले नहीं, भैया इमा पंडित जी आए थे क्या? बोले मैं ही पंडित जी हूँ। तो लोग हतप्रद हो गए कि पंडित जी की सोच देखिए कि गंदगी अपना स्वयं संभाल के हम हटाएंगे तभी मिलेंगे। ये मंच पंडित दीनदयाल जी के परिवार द्वारा चालू किया गया है, लगभग 28 साल हो गए इसको चलते हुए और ये पूरे देश में पर्यावरण जागरूकता और महिला एवं पिछड़े हुए अति पिछड़ों के सशक्तिकरण में पिछले 28 सालों से काम कर रहा है। साथ ही साथ इसमें जो है देश के बहुत प्रख्यात पर्यावरणविद और पद्म अवार्डी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ अभी हमारा जो उद्देश्य है कि अगले एक साल के अंदर पूरे देश में 100 अंत्योदय केंद्र खोलने का है, तो जिसी के कड़ी में ये देश का एक तरह से बोलें कि पहला अंत्योदय केंद्र गोलाघाट में खोला गया है। और जो इस अंत्योदय केंद्र के माध्यम से हमारा प्रयास ये है कि जो वो गरीब लोग जो कि जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ किन्हीं कारणवश नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उसकी जो सबसे बड़ी वजह है अज्ञानता, लोगों में अज्ञानता की कमी होने की वजह से वो संकोचवश उन सब चीज़ों को पूरा करने में वो नहीं होते, योग्य नहीं होते हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा साक्षर बनाया जा सके। साक्षर मतलब योजनाओं को, उनको योजनाओं की समझ हो, उनको जानकारी हो, उनको कैसे लिया जाएगा उसका वो किया जाए। सब्सक्राइब करें एबी न्यूज़ इंडिया के YouTube चैनल को, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल अपडेट।